अम्बाला शहर के सराफा बाजार में बीते रोज हुए ज्वेलर की दुकान पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की बात कर रही है, लेकिन एक दिन बीत जाने के बावजूद आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अम्बाला में रविवार दोपहर को शहर के सराफा बाजार में महिंद्रा ज्वेलर्स की दुकान पर तीन नकाबपोश दाखिल हुए तो दुकान पर बैठा दुकान मालिक उनके इरादों को समझ गया और बाहर भागने लगा। इतने में दो बदमाश और अंदर आ गए और साथ ही एक बदमाश ने पिस्टल निकाली और दुकानदार के ऊपर कूद उससे मारपीट करने लगा और उसके सिर पर पिस्टल के बट मारने लगा, लेकिन दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी और वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता रहा। पीछे दुकान में बैठा उसका पिता आगे आया तो बदमाश उस पर भी टूट पड़ा और पिस्टल के बट से लगातार हमला करता रहा, लेकिन दोनों शोर मचाते रहे। चार बदमाश दुकानदार से मारपीट करते रहे और एक उसके पिता को मारता रहा, लेकिन दोनों का शोर सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई जिससे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। सराफा बाजार में हुई दिन दिहाड़े की इस वारदात के बाद बाजार से लोगों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। लड़के पहले आए जी रिवॉल्वर लेके, तो समय लगा के जैसे ही कि कोई गड़बड़ आया तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाली, हमने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन बिटवीन साथ ही दो लड़के और आ गए, पांच लोग थे। तो आता भाई बचाने के चक्कर में किसी भी तरीके से मैं गेट तक पहुँच गया और गेट खोल के चिल्लाने लगा। ये उनको ऐसा लगा कि भाई हम सबको पता लग जाएगा, बस फिर वो इमीडिएट साथ ही भाग। पिस्टल से तीन के पास तो थी, बाकी जो दो बाग में है उनका ध्यान नहीं। सारी फुटेज इसी में आ गई है, पुलिस को हैंड ओवर कर दी है। और आज अभी सुबह सफाई कर रहे थे तो एक मैगजीन भी यहाँ पे उनकी मिली है, वो भी पुलिस को हैंड ओवर कर दी। पुलिस पहचान उनके पटके बांधे हुए थे, अननोन बंदा, तो हमें पता ही चल जाएगा कि अननोन है। उन्होंने आते ही घर निकाल ली, घर निकाल के इतने में बस हत्तापाई हो गई हमारी। बस हत्तापाई के अंदर बस एक मिनट तो रोटर लगा, बस ये हैंडल तक पहुंच गया, बस इतने का वो उनके पैर उखड़ गए। बस उनकी आवाज लगी ना बाहर, शोर पड़ जाएगा, बस इसने में भाग गया बस रोटर। में अभी तक वहाँ पे हमारी सी आई टीम से हमें विजिट किया है, दोनों सी आई टीम से, और कैसा अभी तक पता चला है कि ये चार पांच लड़के या आदमी गाड़ी में आए थे और उनका इरादा लूट करने का था। फिर इन्होंने गाड़ी थोड़ी बाहर रखी हुई थी वहाँ से 200-300 मीटर दूर, और जब ये फेल हो गए तो ये वहाँ से बाहर निकले। तो इसमें हमारी दोनों सी आई लगी हुई हैं और होपफुली जल्दी, क्योंकि इनकी जो सी सी टी वी में फुटेज है बहुत क्लियर फुटेज है, तो उससे हमें उम्मीद है कि जल्दी ये मामला ट्रेस आउट होगा। सर, सराफा बाजार में जो है सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर से डिमांड उठने लगी है, हालांकि संडे था लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि कल एक तो संडे तो कहता होगी, संडे वाले दिन भी हमारी PCR राइडर्स वगैरह रहती हैं, पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह थे, कुछ कब्जा कार्रवाई वगैरह थी, इसलिए थोड़ी फोर्स वहाँ पे कल वहाँ से चौकी में कम थी। पर अदरवाइज ऑल्सो जो भी जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि उस दिन संडे को जनरली ये मार्केट बंद रहता है, कुछ ही दुकानें खुली थी, इसलिए ये मतलब दोपहर के समय में ये वारदात उन्होंने प्लान किया।